हाँ उसमें लड़के का जो हमारा इसमें था गुलशन नाम का लड़का, तो उसकी डेड बॉडी मिली और कल पोस्टमार्टम करवाया है। तो पोस्टमार्टम में कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं इसमें कि एक तो एक्सटर्नल इंजरी मार्क्स नहीं थे कोई ऐसे मेजर, और लंग्स में इधर वाटर, तो मोस्ट प्रोबेबल कॉज इन सच केसेज इज़ लाइक ड्राउनिंग। तो ड्राउनिंग के केस में हम देख रहे हैं कि क्या ये सुसाइड है, ये पॉसिबिलिटी है। उस एंगल से हम सारा चेक कर रहे हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है जहाँ से इसकी बॉडी मिली है और जहाँ पे लास्ट सीन थे ये, वो एक नहर है, और जहाँ पे गर्ल्स बॉडी वॉज फाउंड वहाँ भी एक नहर है। तो वो डिस्टेंस कैसे ट्रैवल हो सकता है और क्या प्रॉबेबल सीन ऑफ क्राइम हो सकता है, एक वो रूट हम चेक कर रहे हैं। और जो भी इनके नॉन थे लोग वो देख रहे हैं, जो स्ट्रेंजर्स उस एरिया से गए हैं वो एक एंगल चेक कर रहे हैं कि कौन कौन वहाँ से गुजरा है, कि कभी हो सकता है कॉन्टेक्ट में आए हों। तो वो एक एक को एग्जॉस्टिव हम सर्च कर रहे हैं। तो इस एंगल पे हमारी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और हमें उम्मीद है इसमें कि जल्दी लीड्स आएंगी और आगे की हम कार्रवाई करेंगे। उसी नौ को शाम को देखा गया था, वो नहर का जो पुल है उसके पास उनको देखा गया था। तो उसी से हम आगे लीड चला रहे हैं, आसपास का एरिया भी सारा सर्च कर रहे हैं कि कोई क्लू मिल जाए, कुछ उनकी बिलोंगिंग्स मिल जाएं, और उससे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। प्लस हम स्ट्रेंजर एंगल भी देख रहे हैं, अगर कोई स्ट्रेंजर इसमें इन्वॉल्व है, वो किसी ने पिकअप किया है, वो देख रहे हैं। और बाकी दोनों का देख रहे हैं कि सुसाइड, अगर एक सुसाइड है तो दूसरे का क्या हो सकता है, उस एंगल से भी हम जानकारी आई है कि दे वर नोन टू ईच अदर।